चिमनी से उठता धुआं आप देखकर समझ ही गए होंगे कि हम इस वक्त ऊर्जा नगरी कोरबा में मौजूद हैं और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर न्यूज 18 लगातार कहता है वोटर के जरिए लोगों से संपर्क कर रहा है, उनसे जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर क्या कुछ उनका मिजाज है और किन मुद्दों को लेकर वो अपना जनप्रतिनिधि चुनने जा रहे हैं। चूंकि कोरबा लोकसभा चुनाव जो सीट्स है वो काफी दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर भाभी वर्सेस दीदी है, यानी कि कांग्रेस ने यहाँ से जो वर्तमान सांसद है ज्योत्सना महंत उनको मैदान पे उतारा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भाजपा नेता वरिष्ठ नेता कहें सरोज पांडे को यहां से मैदान चुनावी मैदान में उतारा। हम सीधे तौर पर महिलाओं से ही बात करेंगे क्योंकि कोरबा लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा अगर मतदाता हैं तो महिलाएं हैं, लगभग 16 लाख से अधिक यहां पर मतदाताएं हैं और यही वजह है कि हम अगर शुरुआत करें तो महिलाओं से करें और यहां पर कैंडिडेट भी जो है वो दोनों तरफ से महिलाएं हैं। किस तरीके से इस पूरे चुनाव को आप देखती हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं यहाँ के? सबसे बड़ी बात तो हमारी सरोज दीदी बिल्कुल निर्विरोध यहाँ कोरबा लोकसभा से जीत रहा है, इसका एक साक्षात परिणाम आपके सामने दिख रहा है क्योंकि एक भी कांग्रेसी या पदाधिकारी हो कांग्रेस की कोई भी व्यक्ति आज इस डिबेट में आपको दिखने को नहीं मिला होगा। दूसरी बात, एक दीदी हम लोगों का सरकार बनने के बाद जो महतारी वंदन योजना जो लागू किए है वो बहनें इस योजना को लेके बहुत ज़्यादा खुश है और अभी जो मैनिफेस्टो में बहनों को लेके लगातार मोदी जी की गारंटी पूरा होने की जो गारंटी का जो पूरी मैनिफेस्टो में 5 बिंदु महिलाओं के लिए है इसको लेके भी महिलाएं बहुत ज़्यादा उत्साहित है और हम लोग 100% यहाँ कोरबा लोकसभा क्या 11 का 11 सीट छत्तीसगढ़ से हम जीत कर जा रहे हैं। चलिए, हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार है, लगातार यहाँ से पत्रकारिता कर रहे हैं गेंदलाल जी, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ मुद्दे हैं सर यहाँ पर के, किन मुद्दों को लेकर यहाँ चुनाव लड़ा जा रहा है। हालांकि जिस तरीके से मैंने पढ़ा और जानकारी जैसे जुटाई है तो कांग्रेस का गढ़ बताया जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं आप इसको, क्या सच में गढ़ है? वास्तव में कोरबा लोकसभा क्षेत्र की जो भौगोलिक स्थिति है उसके हिसाब से यह सीट कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने प्रयास से इस गढ़ को भेदने में भी सफल होती आई है। 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने यहाँ से जीत दर्ज की थी। यहाँ पर मुद्दे तो बहुत तेरे हैं लेकिन उन मुद्दों की ओर किसी भी राजनीतिक दल के नेता का ध्यान जा रहा है ऐसा प्रतीत नहीं होता है। यहाँ पर रेलवे की समस्या है, उसको लेकर कोई बात करने को तैयार नहीं है। यहाँ पर भू स्थापितों की रोजगार की समस्या है, उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। यहाँ पे हेल्थ की समस्याएं हैं पूरे लोकसभा क्षेत्र में, केवल कोरबा जिले की बात नहीं है, उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। प्रदूषण के मामले में कोई बात करने को तैयार नहीं है और पूरी राजनीति और पूरा चुनाव जो है वो केवल और केवल मतदाताओं के लिए लोक लुभावन वायदों पर सिमट कर रह गया है। जो लगातार यहाँ से कांग्रेस को मौका दिया है, बावजूद उसके यहाँ पर कोई विकास की गति जो है वो दिखाई नहीं दे रही। सबसे पहले आपके चैनल को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। कोरबा औद्योगिक क्षेत्र जो है ये हमेशा गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है। हम पार्टियों में बिखरे हुए लोग हैं लेकिन हम इतना एक दूसरे का सम्मान करते हुए भी आपने देखा होगा कि कोरबा की जनता कभी कांग्रेस को कभी भाजपा को जिताती आई। हमने तीसरी ताकत बनाने की कोशिश की थी बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से, गुड़वाना के माध्यम से, लेकिन आज वो पूरी तरह नहीं बन पाई। आज की जो लड़ाई है अभी वर्तमान में जो है कोरबा लोकसभा क्षेत्र में, यहाँ पर जो है भाजपा वर्सेज पब्लिक लड़ रही है और चरणदास महंत जी जो है आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के जो अकाउंट बंद किए जा रहे हैं, तमाम जो ईडी सीडी का तमाम जो दबाव बनाया गया। चलिए मैं आपको एक आपको बता दे रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ। कांग्रेस के कई लोगों को हमने संपर्क करने की कोशिश की कि एक बड़ा कहता है वोटर, एक डिबेट चल रहा है यहाँ पर, आप आइए। लेकिन लगातार हमारे यहाँ के जो स्थानीय संवाददाता है उन्होंने संपर्क करने की कोशिश की लेकिन वो तो नहीं आए, लेकिन इंडिया गठबंधन के जो नेता है वो जरूर है। चलिए आप अपना जवाब पूरा करिए। मैं मूल निवासी मुक्ति मोर्चा सामाजिक संगठन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मूल निवासी मुक्ति मोर्चा का। यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र है लेकिन यहाँ पे जो जितने स्थापित संस्थान है उसमें बाहरी लोगों को बिल्कुल ज़्यादा महत्व दिया जाता है। यहाँ के स्थानीय आदमी आप देखेंगे यहाँ से मछली बेचने वाले से लेके तमाम जो चीज़ें हैं बाहरी आदमी का हम स्वागत करते हैं। ये कब से हो रहा है सर?
ये तमाम जो वो कांग्रेस और भाजपा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये समाज चल रहा है, लेकिन किसी भी पार्टी ने इसके ऊपर उचित ध्यान नहीं दिया। लेकिन हम चाहते हैं कि इस मुद्दे पर जो हमने जो समर्थन किया है वो राष्ट्रीय मुद्दे पे किया है। आपको क्या लगता है कौन पार्टी इस पे ध्यान दे सकती है? ध्यान यही है कि अब ये पब्लिक, और आपने देखा होगा कि अब जनता जो है, अभी सरकारें जो है टोटल अभी एक निरंकुश सरकार के रूप में खड़ी हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी। क्या लगता है किस तरीके से आप इस पूरे लोकसभा चुनाव को देखते हैं? 8 विधानसभा वाला ये लोकसभा कोरबा है, कहाँ है आज वो लोकसभा कोरबा? निश्चित रूप से कोरबा में हमारे जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे उनके समय अच्छे विकास कार्य हुए, फिर 5 साल जैसे ही कांग्रेस के यहाँ पे चरणदास जी के पत्नी, वो जो धर्मपत्नी बनी यहाँ की सांसद, वो क्षेत्र से लगातार नकारद रही, उनकी भाजपा की कांग्रेस की सरकार रही, उसके बाद भी वह काम नहीं कर पाए, ये बड़ा दुखद विषय रहा। निश्चित रूप से कोरबा की जनता अपने आप को बहुत ठगा हुआ महसूस कर रही है, और इस बार निश्चित रूप से 4 लाख वोट से कांग्रेस को हरा कर भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे सांसद बनेंगी। चलिए आपसे पूछूंगा, मैं एज ए मतदाता आपसे पूछना चाहूंगा, क्या कुछ मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने जा रहे हैं? अभी मुद्दे की बात नहीं करेंगे, अभी सीधा एक बात कहूंगा मैं कि उन्होंने 5 साल के सांसद, विधायक और महापौर रहते हुए इतना लूटा है कोरबा को कि आज मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं है, सामने नहीं आ पा रहे हैं कैमरे के और जनता के। बस मैं इतना ही कहूंगा, बाकी हमारे भाई साहब कुछ कहना चाहते हैं। क्या आप बताइए किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? आप लगातार यहाँ पर स्थानीय मुद्दों को देखते रहे हैं, एक बड़ा समस्या यहाँ पर विस्थापन का है, विस्थापन को किस तरीके से देखते हैं? विस्थापन की समस्या तो हमारे मंत्री जी ने हल कर दिया है, उन्होंने ये जो हमारे पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल थे उन्होंने जो पट्टा आवंटन किया है ना, अभी हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की झुग्गी झोपड़ी की रैली निकली थी पट्टा के लिए, उन्होंने आनन फानन में 1 महीने के अंदर नकली पट्टा बना करके जनता को बांटा, उसमें ऐसे ऐसे निम्नलिखित टिप्पणियां हैं जिसके आधार पर वो पट्टा ही नहीं लग रहा, वो लगता है जनता को ठगा गया है। जैसे आप उसको दान भी नहीं कर सकते, उसको आप बेच नहीं सकते। अगर एक गरीब परिवार है, छोटी सी किराना दुकान खोलना चाहता है, तो अगर पट्टा मिल गया तो उसमें दुकान नहीं खोल सकता, एक ऐसा पट्टा है, ये ठगा है जनता को। हमारे छत्तीसगढ़ के लखनलाल देवांगन ने जो अभी कैबिनेट मंत्री बने उन्होंने कहा है ये नकली पट्टा है, हम इसको निरस्त करवाएंगे, और हमारे कोरबा की जनता को टेस्ट के आधार पर और सभी को प्रधानमंत्री आवास मिले, ऐसा हम सुनिश्चित करेंगे। किन मुद्दों पे करेंगे, क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि ये मुद्दा होगा और इस मुद्दे पर युवा वोट करेंगे? क्योंकि वो अगर वोट करेंगे तो लोग सबसे पहले ये चाहते कि पहले तो नौकरी, ठीक है, रोजगार। अब कांग्रेस वाले बोल रहे हैं रोजगार, अब तो कांग्रेस को रोजगार तो दे नहीं रही है, 70 साल से है, दे नहीं पा रही है। पर वो तो कहते हैं कि 70 साल में आप 35 साल जो है वो भाजपा का ले लीजिए। भाजपा का ले लेते, चलिए मान लेते हम, ठीक है, हमने कम से कम तरक्की तो दिखाई है, हमने तरक्की तो करके दिखाई है बीजेपी का, चाहे वो मोदी जी का, चाहे कोई सा भी योजना हो, सभी ने लाभ उठाया। हम यहाँ पर का जो लोकसभा क्षेत्र है, जो पिछली सांसद रही हैं, वो कोरबा की जनता मेरे ख्याल से उनको ज्योत्सना महंत के नाम से नहीं जानती होगी, जो लापता सांसद के नाम से जरूर जानती है। यहाँ का हर एक आदमी उनको लापता सांसद के नाम से जाना जाता है। और एक बात, उन्होंने ऐसी कौन सी उपलब्धि 5 साल में दिखा दे कि उन्होंने काम किया है? मोदी की गारंटी में महतारी वंदन योजना प्रमुखता से लाया जा रहा है, और इस मुद्दे को लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के बीच लेके जा रही है। आपको मिल रहा है? सभी को मिल रहा है, कोई बहन नहीं छूटी, कोई बेटी नहीं छूटी, और मोदी जी की गारंटी सभी विषयों पे है, खाली महतारी वंदन पे नहीं है। उन्होंने पूरी जनता के लिए हमेशा काम किया है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए गारंटी उनकी, मोदी जी की गारंटी एकदम 101%। आपको सबसे अच्छी गारंटी कौन सी लगती है? मुझे तो सारी गारंटी अच्छी लगती है, क्योंकि उन्होंने दिया है और सब उसे लाभ उठा रहे हैं। इस पूरे चुनाव को किस तरीके से देखिए, चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी भी लड़ती है, कांग्रेस भी लड़ती है, पूरे दमखम के साथ वो मैदान में उतरती है और पूरे वादों के साथ, पूरे जोश के साथ वो वादा करती है कि आपके मुद्दों को हम पूरा करेंगे, आपकी समस्याओं को दूर करेंगे। लेकिन विस्थापन की स्थिति आप देख लीजिए, आप नौकरी की स्थिति की देख लीजिए, और यहाँ पर जो सबसे बड़ा समस्या है वो प्रदूषण है। आज भी यहाँ पर बिजली तो हम दे रहे हैं, आज भी हम यहाँ कोयला तो दे रहे हैं, आज भी हम यहाँ से हमारी पानी और तमाम जो सुविधाएं हैं, जो सुविधाएं वो तो दे रहे हैं हमारी राज्यों को, लेकिन हम खुद पीड़ित है बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत दुर्भाग्यजनक बात है कि पूरे छत्तीसगढ़ को अपनी बिजली देने वाला कोरबा खुद बिजली से वंचित है, और हम घर घर के बाहर देखते हैं तो जनरेटर लगे हुए हैं,
सर मैं जवाब तो आप ही से लूंगा, क्योंकि सीधे तौर पर आरोप है कि इतनी बड़ी जो राशि है उसका उपयोग ना करके। देखिए, कोरबा की जनता बहुत ही शानदार जानकार है। पिछले बार ही ऐसा लगता था कोई बीजेपी का आदमी दिखता नहीं था कि झंडा भी नहीं लगा सकता था विधानसभा में। इस बार ऐसा लग रहा है कि लोगों को कि कांग्रेस इस बार नहीं दिख रही, लेकिन आम जनता जो है बहुत होशियार है और मुझे लग रहा है कि अंदर में जो पक रही है खिचड़ी वो बहुत ही विशाल रूप लेने वाली है और निश्चित रूप में सारे मुद्दों का जो जवाब है वो जनता देने वाली है। कांग्रेस की एक सही में जो बोलते हैं हर टीवी पेपर में अक्सर सुनने को मिलता है, वो सही में डूबते नहीं है। मैं 35 साल कांग्रेस में रहा। क्या ऐसा दुखों के टिकट मांग रहे थे? नहीं, एक साथ हमने जो भी कांग्रेस के जितने 4000 पदाधिकारी थे हमने सभी भाजपा ज्वाइन किए और आज के। अच्छा, आप कांग्रेस नहीं जोगी कांग्रेस थे? जोगी कांग्रेस था, ठीक है, उसके पहले कांग्रेस था, ठीक है। तो मैं आपसे इतना ही बताना चाहूँगा आदरणीय कि आज के तारीख में कांग्रेस की सुपड़ा पूरा साफ है और जो भी बोल रहे हैं वो मजबूरीवत बोल रहे हैं, अंदर से वो भी बीजेपी को भी आशीर्वाद दे रहे हैं और 101% सरोज पांडे दीदी 3-4 लाख वोट से जीते। यहाँ तो भाजपा का ही जीत होगा। क्यों? इसलिए कि 5 साल जो कांग्रेस का सरकार रहा यहाँ नोट के बल पे वोट को ही बढ़ावा देते रहा और जो गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप, नोट के बल पे ही वोट और उसी का विधानसभा में आम जनता जवाब भी दी। दादा क्या नाम है आपका? राम मसाओ। आइए आगे आइए, क्या क्या करते हैं आप? एसीसीएल में रहे हैं। एसीसीएल में रहे हो? अभी रिटायर हो गए? रिटायर हो। तो जमीन अधिग्रहण हुई से का तुम्हार? नहीं, दुर्पक पट्टम लग रहे हैं। अच्छा, का मुद्दा रही एबर काला लगा थे काकर यहाँ पल्ला भाजपा के का भरपूर जो पूरा कर रखे हो? चलिए, हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, आप बताइए सर किस तरीके से आप लोकसभा चुनाव को देखते हैं? कोरबा लोकसभा जो है 8 विधानसभा में बटा हुआ है, आदिवासी बाहुल्य है, क्या लगता है आदिवासियों के लिए काम किया गया है? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सभी वर्गों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया गया है और लोग उनको देखकर वोट इस बार डालेंगे। और मैं बोलता हूं कि सरोज दीदी 11 की 11 लोकसभा में कोरबा लोकसभा सबसे ज़्यादा वोट से जीत कर यहां से जाएंगी। क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे आप? मैं तो पत्रकार हूं। जी जी, इस नाते सार्वजनिक रूप से आपसे बताना चाहता हूं कि कोरबा जो है सो अरबों रुपया राजस्व देता है जी, लेकिन यहां न पानी है, न बिजली है, न शिक्षा की व्यवस्था है, न स्वास्थ्य है, न गरीबों के लिए रहने के लिए मकान है। और ये सब इसलिए हुआ कि हमारे जनप्रतिनिधि शुरू से आज तक उदासीन रहे, कोरबा के बारे में सोचा नहीं उन्होंने। आज ट्रैफिक की भी समस्या है, ट्रैफिक मेट्रो रेल दीर्घकालीन योजना इनको बनानी चाहिए, मेट्रो रेल होना चाहिए, जगह जगह जो है सो अंडरग्राउंड ऊपर पुलिया होना चाहिए ताकि आवागमन ठीक रहे। और मेन मार्केट में मार्केट है और रोज यहाँ जाम लगा रहता है, ट्रैफिक जाम, उसके लिए व्यापार बिहार बनाना जरूरी है व्यापार मंडलों के लिए। और शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ कुछ भी नहीं है, पीपल आईटी बाहर चला गया, कमा रहा है कोरबा और इसका लाभ ले रहे हैं दूसरे क्षेत्र के लोग, दूसरे जिले के लोग, दूसरे प्रदेश के लोग। यहाँ खाद कारखाना पहले से था वो भी चला गया, यानी कुल मिलाकर हमारे जनप्रतिनिधि की नकारात्मक भूमिका के कारण कोरबा लोकसभा पिछड़ गया है, आकांक्षी जिला में आ गया है। कोरबा लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत सारी उम्मीदें जो है वो वोटरों की है, अपने जनप्रतिनिधियों से बहुत सारी अपेक्षाएं हैं कि जनप्रतिनिधि चाहे जो भी चुनकर आए उनके उम्मीदों पर खरा उतरे। 2009 में यहाँ पर पहली बार चरणदास महंत जो है वो लोकसभा के यहाँ पर सांसद बने थे, उसके बाद 2014 लोकसभा चुनाव में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव जीत कर आए थे, उसके बाद 2019 का भी चुनाव हुआ, यहाँ से डॉक्टर ज्योत्सना महंत जो चरणदास महंत की धर्मपत्नी है वो यहाँ से जीत कर आई थी। लेकिन 2024 का चुनाव काफी दिलचस्प है क्योंकि यहाँ पर दीदी वर्सेस भाभी देखा जा रहा है और ये जो जनता है वो अपने सवालों को भी इस टीवी चैनल के माध्यम से, न्यूज 18 के माध्यम से पूछना चाहती है कि आखिर
जो उनके मुद्दे थे, उन मुद्दों पर उनका जनप्रतिनिधि कितना खरा उतरा, क्या उनकी अपेक्षाओं पे वो जनप्रतिनिधि जो चाहता था वो उस पर काम हुआ, इन तमाम विषयों को लेकर जो चर्चाएं हैं वो गर्म हैं। हालांकि अब जो तीसरे चरण का जब मतदान होगा तो 7 तारीख को यहां पर चुनाव होगा, उस दौरान जो जनता है वो खुलकर अपनी बातों को ईवीएम में अपने जवाब देगी और 4 जून को इस पूरे मामले का, इस पूरे परिणाम का जो है वो सामने आ जाएगा कि आखिर जनता ने किसको आशीर्वाद दिया है, दीदी को दिया है या भाभी को दिया है, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। मुझे दीजिए इजाजत, मेरे साथी अब्दुल असलम के साथ मैं उमेश मौर्य, कोरबा।